हेलो फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, आज हमारे पास जो मोबाइल है वो सैमसंग का J7 Prime है। और दोस्तों, इसके सामने आपके सामने जो प्रॉब्लम शो कर रहा है चार्जिंग पे लगाने पे, ये एयर आ रहा है। और दोस्तों, हम इस पे चार्जर भी चेंज करके देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में जाने किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस मोबाइल को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर अपन इसको वाया मशीन करना चाहें तो हम वाया मशीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करेंगे। आप चाहे तो ऊपर का टफन ग्लास निकाल दें, मशीन से इसको खोल लें। खोलना सबको पता है, इसलिए इस वीडियो को हम नहीं बताएंगे, सीधा खोल के सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं, देन हम सॉल्यूशन करते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। ये देखिए दोस्तों, हमने इस मोबाइल को केयरफुली ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हम इन पूरा टियर डाउन कर लेते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, फुल ओपन कर लिया। दोस्तों, जब कभी भी अगर चार्जिंग से रिलेटेड है कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमको एक्चुअली क्या करना होता है, एक बार हम आपको वापस से इसमें चेक करवा देते हैं कि मोबाइल वही है। क्योंकि बहुत सी बार होता क्या है कि बहुत से लोगों को लगता है कि मोबाइल हमने चेंज कर दिया, ये कर दिया होता है। बहुत सारे लोग फेक वीडियो भी बना दे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही प्रॉब्लम शो कर रही जो पहले कर रही थी, मतलब अभी तक इस मोबाइल के अंदर वही प्रॉब्लम है। तो इस मोबाइल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, स्टेप क्या है दोस्तों। बहुत सी बार जो बड़ी प्रॉब्लम होती है वो छोटे सॉल्यूशन से भी हो जाती है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो डिपार्टमेंट है हमको उसको चेक करना है यहाँ पर, कि वो डिपार्टमेंट जो है हमारा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो माइक है, माइक के पास में कंपोनेंट है, वहाँ पर आपको ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों चीज़ें जो दिख रही वाटर डैमेजिंग दिख रहा है। तो मोबाइल जो है वाटर डैमेज है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हमको आ रहा है। थोड़ा सा क्लियर करके देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप जब देखेंगे इन दोनों कंपोनेंट के पास में, यहाँ पे आपको वाटर नज़र आ रहा है। वाटर डैमेज मोबाइल है, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो डिपार्टमेंट है इसको हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। और क्लीन करने के बाद में लिक्विड लगा के क्लीन करते हैं अच्छे से। और क्लीन करने के बाद में हम ये देखेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है। क्योंकि हम अगर 200 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बेनिफिशियल होगा कि इस कंडीशन में सीधा हम सॉकेट चेंज कर दें या कुछ आईसी वगैरह को देखें, ऐसा कुछ नहीं। हम स्टेप बाय स्टेप चलना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसको क्लीन करें। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर क्लीन किया है। क्लीन करने के बाद में हम यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल जो वाटर था क्लीन हो चुका है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक बार हम यहाँ पे वापस से इसको चार्जर से कनेक्ट करें। और चार्जर कनेक्ट करने के बाद में हम इसको एक बार चेक करते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई है या नहीं हुई। अगर नहीं होती तो स्टेप आगे कौन सा है, और हो जाती है उसके बाद भी मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको यहाँ पे इस ऐसे प्रॉब्लम आता है और ये करने के बाद भी अगर आपका सॉल्यूशन नहीं होता तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो लेकिन दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे तो ये बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए हमेशा, ठीक है दोस्तों। तो हम कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद में देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वो परसेंटेज और ये जो एरो था वो लगभग हट चुका है। तो हमारा जो ये वाला प्रॉब्लम था वो मेरे हिसाब से इससे ही सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे जो परसेंटेज है बैटरी को, अभी फ़िलहाल बैटरी का परसेंटेज ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे इसको हम थोड़ा चार्ज भी कर लेते तब तक। लेकिन तब तक मैं आपको यहाँ पे इसका सिस्टम बता देता हूँ कि अगर दोस्तों यहाँ पे इसको चार्ज पे रहने देते थोड़ी देर, देखिए 1% तो यहाँ पे हो गया है। थोड़ा और चार्ज हम इसको कर लेते हैं। उसके बाद भी दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी प्रॉब्लम इस तरीके से अगर होता है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे वही काम करना जो हमने किया। वाटर डैमेजिंग मोबाइल अगर है तो इसको आप क्लीन कर ले। और दोस्तों, यहाँ पे क्लीन करने के बाद भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं आती है और यही प्रॉब्लम है, चार्जर चेंज करके भी देख लिया सब कुछ, तो इस कंपोनेंट जो है उसको आप रिमूव कर दें तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पर इसको एक बार देखते हैं कि मोबाइल हमारा चार्ज हुआ। ये देखिए दोस्तों, परसेंटेज भी बढ़ गया। तो इस तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।